गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने हमारे फिफ्थ लेसन है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, उसका हाफ चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया था और अब हमने रीड किया था वो, अब उसका हाफ चैप्टर अब रीड करते हैं। हमने क्या पढ़ा था इस लेसन में, वो स्कूल था, उस स्कूल में मिसेस बीम, जो उन्होंने ऐसे स्कूल बना रखा था उसमें एक एक दिन हर बच्चे का ब्लाइंड डे, डेफ डे ये सब होता था। तो फिर जो स्कूल के लिए इंक्वायरी करने आए थे, उन्होंने कहाँ तक अपन ने रीड किया था कि स्कूल के लिए इंक्वायरी करने आए थे, तो लास्ट में वो जो एक लड़की थी उसको वो रास्ता बता रहे थे, तो उन्होंने पूछा लड़की को कि क्या मैं आपको कहीं तक पहुँचा दूँ, तो फिर आगे वो लड़की आंसर देती है, ओ यस शी सेड, लड़की ने जवाब दिया कि हाँ, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, हम थोड़ी सी आगे वॉक के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आप सिर्फ मुझे आगे चीज़ों के बारे में बताना, आई शैल बी सो ग्लैड वेन टूडे इज ओवर, मैं बहुत खुश हूँ कि आज का दिन बीत जाएगा, द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, और जो अगले जो दिन होंगे वो इसके जो आधे दिन होंगे वो इससे ज़्यादा खराब नहीं होंगे। हैविंग अ लेग टिप्ड अप टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रचेस इज ऑलमोस्ट फन आई गेस, हैविंग एन आर्म टाइड अप इज अ बिट मोर ट्रबलसम बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट। तो फिर उसने कहा कि जैसे वह चलते चलते थोड़े से पाँव को थपथपा रही थी, और फिर आगे जाके उसने बोला कि आई गेस कि मैं सोचती हूँ कि जो ट्रबलसम आगे कुछ भी चीज़ होगी वो ज़्यादा ही ट्रबल नहीं होगी मेरे लिए, क्योंकि ये जो हम कुछ खा नहीं पाते, आँखों पर पट्टी बंधी रहती है तो हमें कुछ पता नहीं चलता है, तो हमें सबकी हेल्प रहती है कुछ खाने के लिए, कुछ भी चीज़ लेने के लिए। I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much, कि मैं जब deaf रहूँगी तो मैं वो चीज़ ज़्यादा mind नहीं करूँगी क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, but being blind is so frightening, पर जो blind होना बहुत ज़्यादा ही frightening होता है, बहुत ही डरावना होता है, my head aches all the time just from worrying that I will गेट हर्ट, और मेरा हमेशा ही सिर दर्द होता रहता है कि कहीं मैं किसी से टकरा ना जाऊँ, कहीं मुझे लग ना जाए, चोट नहीं लग जाए। वेयर आर यू नाउ, अब फिर उसने पूछा कि तुम कहाँ हो अभी, उन्होंने जवाब दिया इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड, उन्होंने कहा कि प्ले ग्राउंड में है, वी वर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम हाउस की तरफ जा रहे हैं, मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, मिस बीम है वो एक टॉल लड़की के साथ में गार्डन में घूम रही है, वॉट इज द गर्ल वियरिंग माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, तो जो लड़की थी जो ब्लाइंड फोल्ड कर रखा था उसने, तो वह उसने पूछा कि उस लड़की ने क्या पहना हुआ है, अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, फिर उन्होंने जवाब दिया कि एक ब्लू कॉटन की स्कर्ट और एक पिंक ब्लाउज पहना हुआ है, आई थिंक इट्स मिली शी सेड, वॉट कलर इज हर हेयर, फिर उसने बोला कि मुझे लगता है वो मिली होगी, उसके बाल किस कलर के हैं, वेरी लाइट आई सेड, उसने कहा बहुत हल्के कलर के है, येस दैट्स मिली शी इज़ द हेड गर्ल, फिर उस लड़की ने जवाब दिया कि अच्छा हाँ वो मिली ही है, वो हेड गर्ल है, There's an old man tying up roses, I said. फिर जो उसे आगे ले जा रहे थे रास्ते में, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन है जो roses लगा रहे हैं, बांध रहे roses को, तो yes, that's Peter. He is the gardener. He is hundreds of year old. फिर उसने लड़की ने जवाब दिया कि हाँ वो पीटर है, वो गार्डनर है और वो 100 years के हैं, and Here comes a girl with curly red hair. She is on crutches. फिर उन्होंने कहा कि एक गर्ल आ रही है जिसके curly red hair है और उसने बैसाखी ले रखी है, तो उसने फिर लड़की ने जवाब दिया That's Anita, she said. लड़की ने बोला वह अनीता। And so we walked on, फिर हम आगे बढ़ते गए, gradually I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. अब जैसे पूरा दिन जैसे उन्होंने बिताया, फिर लड़की को रास्ता बताया, तो फिर जो
देखने आए थे स्कूल, तो वो अपना डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैं जितना भी मैंने सोचा था उससे 10 more times ये बहुत ज़्यादा ही उनके लिए अच्छा रहा, क्योंकि किसी को डिस्क्राइब करना, किसी पीपल को डिस्क्राइब करना, किसी को रास्ता बताना या किसी को हेल्प करना कितना अच्छा रहता है। इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लगी। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो। फिर जब फाइनली जब वो जाने लगे वहाँ से, तो फिर उन्होंने मिस बीम को बोला कि सॉरी अब मुझे यहाँ से जाना होगा। हाँ, शी रिप्लाइड देन देयर इज़ समथिंग इन माय सिस्टम आफ्टर ऑल। फिर उन्होंने रिप्लाई किया कि ओके ठीक है आप जा सकते हैं। तो ये एक लेसन था, वो लेसन स्कूल के बारे में था, जिस स्कूल में बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ किस रूप में करते थे वो लोग, जैसे बच्चों को एक दिन ब्लाइंड डे, डेफ डे, ये सब बना के वो पूरा अपना स्कूल था वो स्कूल में ये इस तरह से वो। तो ये एक डिफरेंट काइंड का स्कूल किस तरह डिस्क्राइब किया गया इस लेसन में। तो ये लेसन आप पूरा वापस रीड कीजिएगा और पढ़िएगा। थैंक यू।